किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने जो है कुबोटा खड़ा हुआ है। आज ट्रैक्टर को लेकर चलेंगे। मौसम ने जो है आँख मिचोली कर रखी है, कभी बारिश हो जाती है कभी खुल जाता है, तो ना तो हम ट्रैक्टर चला पा रहे ना मिट्टी चढ़ा पा रहे। तो आज काफ़ी दिन के बाद में अब रक्षाबंधन का प्रोग्राम भी निमट गया, अब ट्रैक्टर लेकर चल रहे हैं जी। आज जुताई करेंगे पहले, और जैसे मैंने कहा था मजाक मजाक में कि भाइयों ये केबिन इसलिए बनवा रखा है या बनवा रहे हैं कि तेंदुआ आ जाएगा, वो भक्या ऐसी पूरी हुई कि वाकई में चकमक तेंदुआ आ गया जी। और काफ़ी दिन से हम तो नहीं जा पा रहे थे, वन विभाग वाली टीम भी घूम रही है लगातार, पिंजरे भी लगा रखे हैं, तो तेंदुआ जो है पकड़ से बाहर है। तो मैं अब जुताई करूँगा, पुनीत भैया जो है मेरी सेफ्टी में बाहर रहेंगे। तो चल रहे हैं जी, स्टार्ट कर देते हैं छोटू को। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ जी अंदर, और अब ये चाप भी लगा लेंगे जी, तेल तार डाल लिया था, और देखेंगे जी सुई कहाँ जा रही है। उठ रही है, धीरे धीरे उठ रही है जी। अभी जो है मेरी साथ में जाने की जिद कर रहा है। छोटे बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या हो कि वो जिद कर रहे हैं जी। अब चलते हैं भाई, स्टार्ट करेंगे एक बार। लो जी अब चल दिए खेत की तरफ, गांव से निकल गए हैं। दोस्तों यहां से अपना चक शुरू हो जा, ये लेफ्ट साइड से जो है नीलकंठ पे जा रहे हैं, और राइट साइड से ये यहाँ कॉलोनी कट की बिल्कुल सामने ही मेट्रो रेजिडेंसी के नाम से, और ये पास पे निकल जा, ये अपना चक है जी। अभी सोच रहे मगा 5-4 साल कर लें खेती, आगे तो यहाँ सब फ्लोटिंग में ही जाएगा मामला है। दोस्तों अब खेत में आगे हैं जी, और देख लो 13,235 और 18 कितना शानदार हो रहा है। और बहुत बार जाने अनजाने में भी ऐसी बात निकल जा कि भाइयों ये केबिन क्यों बनवा रहे, मगर तेंदुआ ना आ जा, तो भाइयों वो बात बिल्कुल सच होगी। हमारे यहाँ तेंदुए ने कब्जा कर लिया, एक मादा है दो उसके बच्चे हैं। हालांकि उसने अभी किसी भी किसान भाई के या घस्यारे जो कोई भी है या ईंक बनाइया है किसी को लेस मात्र भी कोई नुकसान नहीं उसने पहुँचाया। वैसे चौकस रहना चाहिए। मैं भी अब इसलिए केबिन में आ गया कि केबिन लग रहा है तो खेत में चलता हूँ। अगर कोई जो भी समस्या भाई, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम किसान का काम अब ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि फसल जो है बिल्कुल तैयार खड़ी, तो ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों अब चालू करता हूँ जी, सेटिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी इसकी, चलते हैं अब ट्रैक्टर चलाते हैं जी। रोटर के बाद में फिर इसमें जो खाद वाद डलेगा वो डाल के फिर मिट्टी चढ़ा देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से क्या डाल रहे हैं। दोस्तों देखो, बहुत भाई नु कह रहे थे कि हमों का ट्रेंच का होने का नहीं, बबलू भाई बहुत नुकसान कर दिया तुमने, फलाना ढिमकाना। तो दोस्तों वो बात बिल्कुल किसी ने सही कही है कि मंजिल उसे नहीं मिलती जो घर से बाहर नहीं निकलते। वाकई में धक्के खा के पता लगा है। हमने बहुत भाइयों से सलाह ली, सब ने कुछ ना कुछ अपने अनुभव शेयर करे, और सुजीत भाई का, पुष्पेंद्र भाई का, और अपने रतनपाल ताऊ जी का, और कपिल भैया का, तुगाने वाले जो हैं, और बहुत भाई, और अपने रमन भैया जो हैं संदन वाले, उनका खासकर मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने मुझे समय पे बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो हम स्प्रे करते हैं सही दवाई का, बीबीसी एग्रो कैम्प वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सही समय पे उन्होंने मुझे सलाह दी और मैंने उनकी दवाई लगाई। यो देख लो जी, 15 मई का गन्ना हटो बचो हो रहा, मेड़ लगने को तैयार हो रहा गन्ना, तो आगे क्या करेगा जी। छोटा ट्रैक्टर भी दिख नहीं रहा है इसमें, और बहुत भाई छत्ती पीट रहे थे कि होने का नहीं होने का नहीं। अरे मका यार 40 साल की उम्र हो रही, हम ही गन्ना ही बोरे जोत रहे, तो अब इसका ये जब पीला गन्ना हो रहा ना, बहुत भाई कहेंगे यो पिछली जुताई में टूटा पड़ा है, देखो नीचे अलग।
बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है जी, बहुत शानदार जबरदस्त। और भाइयों सरदार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया उन्होंने केबिन बनाया, बस मजे ही आ रहा। देखो जी मैं हाफ बाजू टी शर्ट में खेत जोत रहा हूँ, अन्नी तो बस मर जा ठोड़ चिर जा सारे, पैसे तो लगे हैं पर मजा आ गया। ऊपर पंखा चलता है, आगे ट्रैक्टर चलता है, भाई वाह बहुत शानदार। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करें, नमस्कार। दोस्तों मैं दिखाऊंगा देखो आपको, बाहर से बबलू भाई चला रहे हैं और आज हम जो है इसकी फाइनल जुताई कर रहे हैं। दोस्तों जैसा भी अपने पास में गन्ना है 0118 है जी, जो हमारा खराब हो गया था, और ये 13235 है इधर। तो दोस्तों अब इस पर जो है अपनी पंकड़ी चलाएंगे, वो तितली जो है जो लेजर है बहुत बढ़िया तरह से। ये देखे जी दोस्तों हेल्पर उतार रखे हैं बबलू भाई ने, और देखो दोस्तों हेल्पर उतार के जुताई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पंकड़ी चलानी है, तो पंकड़ी चलानी है तो उसे भान चाहिए क्योंकि टीलर चलाना पड़ेगा फिर दो बार नहीं तो। तो ये दोस्तों टीलर का काम भी यही कर देगा। आप ये देखो कितना शानदार चल रहा है, देखो यहाँ तक ये ताजा बीज था, यहाँ से फिर बासी था। ये देखो ताजे का बासी का इतना फर्क होता है, इस तरफ बासी है और इस तरफ ये ताजा था 0118 का। गन्ने की क्वालिटी देखो जी आप, इधर फिर ये ताजा 13235 था जी सारा, इसका और ही तो रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है। लेकिन बाकी अपने पास में जितना भी गन्ना है जी, ऊपर वाले की कृपा से, आप सभी के सपोर्ट था, आशीर्वाद से जी, सलाह मशवरे से गन्ना कुल मिला के ठीक है। देखो ये मर गया था जो कमजोर बीज रहा होगा, लेकिन फिर भी उपका आ रहा है देखो बीच बीच में। तो ये देखो ये आँख चली होंगी बढ़िया, तो ये गन्ना मोटा है बहुत बढ़िया। तो जेड पट्टी में फायदा है, देखो जेड पट्टी जहाँ बिल्कुल सही बैठ गई, ये देखो ये गन्ने ये पेंडा होगा फिर ये पेंडा होगा, तो ये थोड़ी सी जगह में ही 8-10 गन्ने हैं। ये देखो तो ऐसी बात नहीं है, इसमें फिर भी कितना ही कम गन्ना हो, गन्ना हमें इसमें शादी विधि के जितना गन्ना मिल जाएगा, और पेड़ी तो इसमें बहुत हो जाएगी। ये देखो ये पेंडे रखे थे बाद में, ये भी हो गए काफ़ी। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मेहनत करो, कुछ ना कुछ आइडियाज़ अपने पास में निकालते रहो, नई नई खोज करते रहो। आज के टाइम में फ़ोन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनसे भी मदद लो, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है जी। ये देखें बढ़िया हो गया, हाँ भी अब ट्रैक्टर इधर निकलेगा। दोस्तों खेत की जुताई होगी बिल्कुल बढ़िया से, और देखो जी धोरे धारे जुत के खेत जो है कितना प्यारा लग रहा है। अगली साल से जो है जब अगली अब फागण में बुआई करेंगे तो ये धोरे थोड़े से बिल्कुल खाली रखेंगे, इस तरफ तो ज़्यादा नुकसान है नहीं, 2-4 मिड्डे परली तरफ टूट गए। जो भी काम करेंगे तजुर्बा धीरे धीरे होता है। और देखो खेत कितना बढ़िया लगा आज का व्लॉग, दोस्तों कैसा लगा लाइक शेयर करें, और कुछ सुझाव हो वो भी ज़रूर दें। नमस्कार।